ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हमें ये बात करना होगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है। ये कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं तभी वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे कि आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। जब मैथमेटिशियन या जो लोग थे पहले के लोग, वो इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई कर रहे थे, और जब इक्वेशन का सॉल्यूशन उनको रियल नंबर में नहीं मिला तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, और क्यूरियोसिटी बढ़ने के बाद जो उन्होंने नया नंबर सिस्टम डेवलप किया है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो फिर मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट वहां से डेवलप हुआ। तो क्या क्या चीजें सोल्व कर रहे थे, वो लीनियर इक्वेशन सोल्व कर रहे थे। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, जिन जिनको हमने 10th क्लास में पढ़ा है, मैथमेटिशियन लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे। और लीनियर इक्वेशन को इजीली सोल्व करने के लिए उनके दिमाग के अंदर आया कि इसको और मतलब इसी तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है, जैसे कि ग्राफिकल मेथड है। तो इसी तरीके से और कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां से मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया, मतलब जो मैथमेटिशियन थे वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे, और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के ड्यूरेशन में उन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट जो बनाया है वो उस कॉन्सेप्ट का नाम हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट वहां से आया है। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स अभी आपको याद होगा, जैसे कि अभी कोरोना का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो तुम लोग भी अगर किसी वेबसाइट पर डाटा देखते होंगे कि कहाँ पे कितने पॉजिटिव केसेस आ गए हैं, कहाँ पे कितने रिकवर हो गए, डिक्रीज केस कितने हैं, डिस्चार्ज कितने हो गए हैं, टोटल सैंपल कितने ले लिए हैं, ये सारे डाटा तुम देखते होंगे। जैसे कि मैं एक वेबसाइट में डाटा देता हूँ तो वहां पे 3-4 कॉलम बन रहते हैं, इधर तो स्टेट का नाम लिखा है और यहाँ पे टोटल पॉजिटिव केस ऐसा लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्टिव केस, और फिर यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज कितने हो गए, और यहाँ पे लिखा है कितने केस डिक्रीज हुए, और यहाँ पे जैसे स्टेट का नाम या राजस्थान लिखा है, यहाँ पे ओडिशा लिखा है, राजस्थान में जैसे 7,000 के आसपास केस हो गए, सपोज एक्टिव केस 5,000 है, और यहाँ पे 1,500 डिस्चार्ज हो गए, सपोज डिक्रीज केस से 500। सिमिलरली ओडिशा का भी यहाँ कुछ डाटा लिखा हुआ है। तो जो मैट्रिक्स होता है बेटा, मैट्रिक्स हम इन सारे डिटेल को अगर डिलीट कर दें, ये जो डिटेल्स लिखी हुई है इस डिटेल को हम डिलीट कर दें, और जो हमारे पास ये सिर्फ डाटा बचता है, जो नंबर है, ये जो नंबर होता है, इस नंबर को अगर हम इस ब्रैकेट सिस्टम में ऐसे लिखना चाहे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। जैसे 7,000, 5,000, 1,500, 500, और यहाँ पे भी कुछ नंबर है, तो ये नंबर इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस टेबल में लिखे हुए हैं, तो वो तुम्हारे पास मैट्रिक्स होता है। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपके पास कुछ नंबर होंगे और इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर उनको रखा जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इनको, 1 का पोजीशन फिक्स है, 2 फिक्स है, ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ऑर्डर्ड पेयर होते ना, 1, 2 नॉट इक्वल टू 2, 1, तो उसी उसी तरीके से जो मैट्रिक्स में जहां जहां पे एलिमेंट है उनका जगह फिक्स है, वो हमारे पास चेंज नहीं होता है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड जो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कॉलम और रो के फॉर्म में, यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, इनकी जगह फंक्शन भी हो सकते हैं। 1, 2 की जगह सपोज आपके पास आ गया sin x, cos x, tan x या x2, इस तरीके के फंक्शन भी हो गए, तो नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑर्डर,
ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तुम्हारे पास मैट्रिक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, कोई ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है 1 2 3, कोई ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है ए बी, कोई सिंपल एक एलिमेंट भी हो सकता है मैट्रिक्स में 1। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस हो सकती है। तो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कौन रेस्पॉन्ड करेगा? हितांशु बताओ। यस सर, हाँ बेटा, मैट्रिक्स समझ में आया? क्या यस सर, बेटा, मैट्रिक्स कहां से बना है ये? तो लीनियर इक्वेशन से इनइक्वालिटीज। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं, लीनियर इक्वेशन। तो जब लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो डिफरेंट यस सर, डिफरेंट मेथड होता है, जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया। तो ऐसे ही मैथमेटिशियन और मेथड निकालना चाह रहे थे, तो ऐसा एक ऐसा मेथड बना जिसमें अभी जो मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया है, वैसे मैट्रिक्स यूज होते हैं। जैसे कि अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें फिर से देना चाहता हूं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। अभी तुम देखना एक बार और, माइक्रोसॉफ्ट पास लीनियर इक्वेशन है। ये ऐसे कोई इक्वेशन है, 3x + 4y इक्वल टू 2, 4x + 3y इक्वल टू 6। सपोज ऐसे ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यही लीनियर इक्वेशन है। और ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के प्रोसीजर में एक मेथड निकला जिसमें मैट्रिसेस यूज होती है। मैट्रिसेस का मतलब, जैसे कि यहाँ पे लोगों ने मैट्रिक्स बनाई कि ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है, यहाँ पे एक्स की 3, वाई के यहाँ पे 4, फिर दूसरे वाले इक्वेशन में 4, यहाँ पे 3। ये एक तरीके का मैट्रिक्स है, उन इक्वेशन में सोल्व करने में ऐसा काम आता है। जैसे 2 और 6 है, तो जैसे 2 और 6 ये एक मैट्रिक्स है। तो ऐसे इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अभी एक इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा यूज बेटा, लोगों ने तो कोशिश किया कि इक्वेशन को सोल्व करने तक उनका काम बन जाए, लेकिन जब ये मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो इसका एरिया बहुत बढ़ गया। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत आगे यूज होने लग गया। आगे का मतलब, जैसे कि हमारे पास जो कंप्यूटर वाले हैं, जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर भी इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि कोई आप फोटो एडिट कर रहे हैं, तो उसमें रोटेशन के लिए, 90 डिग्री रोटेशन के लिए, तो ये उसमें मैट्रिक्स यूज होता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट को यूज करके वो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। तो सिर्फ अब मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन तक यहां तक नहीं रहा है, वो बहुत आगे बढ़ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली समझेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? लीनियर अरेंजमेंट है ना, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, इसको मैं लिखू तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, वो वर्ड है ऑर्डर। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब है उनकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर जगह चेंज करेंगे तो दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। आप कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि एग्जाम्पल मैट्रिक्स का क्या होता है। जैसे कि हम सेट के नोटेशन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसी तरीके से किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे ए हमारे पास 3 4 2 7, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, आपको दूसरी मैट्रिक्स देना चाहते हैं,
वन टू थ्री ये हो गया है, और कोई एग्जांपल देना चाहते हैं? वन टू थ्री ये एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं मैट्रिक्स के। अब मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहला जो डेफिनेशन होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ये चीज हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कि देखो ये ए मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब है कि हमको ये बताना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। दो चीजों की इंफॉर्मेशन देना वो हमारे पास ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे तो रो ऐसे देखी जाती है, थ्री फोर मिलके एक रो बनाते हैं। तो यहाँ पे एक रो है, फिर ये दूसरा टू सेवन, ये दूसरा रो है। तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितना है, वो हमारे पास टू। अब इसमें अगर हम कॉलम देखना चाहें तो कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, थ्री टू एक कॉलम बनाता है, फोर सेवन दूसरा कॉलम बनाता है। तो यहाँ पे कॉलम भी इसमें हो गए टू। तो इस मैट्रिक्स के बारे में हमें पता चल गया कि ये इसमें रो टू है और कॉलम टू, यही इसका ऑर्डर होता है। लेकिन अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आपको कोई भी पूछा जाएगा ऑर्डर तो आप लिखेंगे रो इंटू कॉलम बताएंगे, रो बाई कॉलम। तो जैसे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज टू और कॉलम हमारे पास टू, टू टू बाई टू। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया आपके पास टू बाई टू। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का कितना हो जाएगा ऑर्डर, अब यहां पे देखना, ये कलर लेते रोज कितनी है। रोज हमेशा इस तरीके से काउंट करते हैं, जैसे ये वन रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो तीन रोज हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी में अपने पास तीन रो। कॉलम कितना, कॉलम सिर्फ एक है। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो कॉलम तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉलम आएगा। तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, तो थ्री बाई वन। मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है थ्री बाई वन। सिमिलरली देखो सी में, देखो सी के अंदर हमारे पास क्या है, रो कितना है, रो एग्जैक्टली वन, वन रो। और कॉलम कितना हो जाएगा, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया वन बाय थ्री। तो होप द ऑर्डर समझ में आ गया होगा आपको, ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें लिखा माइनस वन। अब मैं पूछूंगा किसी से, यहाँ पे जो कनेक्टेड है, पहले स्क्रीन शेयर बंद कर देते हैं, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ठीक है भाई हितांशु बताओ, ये जो मैंने एग्जाम yes, लिखा था माइनस वन वाला, सिर्फ माइनस वन एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है। मैं वापस से स्क्रीन पे स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीन यहाँ पे बंद हो गया है। हाँ ये इसका ऑर्डर बताओ बेटा कितना है इस मैट्रिक्स का, ये दिख रहा है ए मैट्रिक्स दिख रहा है, वन बाय वन। हाँ क्या होगा, वन बाय वन। हाँ वन बाय वन, ठीक है। कई बार अब क्या होता है, देखो मैट्रिक्स के यहीं पे हम ऑर्डर लिखते हैं, ये जो लास्ट वाला कॉर्नर होता है यहीं पे हम ऑर्डर लिखते हैं वन बाई वन, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम यही लिखते हैं। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर से इसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे से रिलेटेड होते हैं। तो हमको समझना होगा ये ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब तुम्हें देखो जनरल नोटेशन वाली, थोड़ा ऑडियो के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ऐसा हो रहा है। अब देखो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस ऑर्डर की वाली चीज को समझना होगा। और कुछ एक जनरल मैट्रिक्स हम लिखते हैं, जनरल मैट्रिक्स किस तरीके से लिखी जाती है। देखो एक मैं जनरल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए,
और सपोज इसमें अब देखो जनरल एलिमेंट किस तरीके से लिखे जाएंगे, इसमें लिखे जाते हैं जैसे A11, A12, सपोज A13 तक ही लिखता हूँ, आगे नहीं लिखूंगा। फिर जब नया रो स्टार्ट होता है तो A21, A22, A23, फिर नया रो स्टार्ट होगा तो 31, A32, A33। सपोज एक रो बना लेते हैं तो 41, 42, 43। किसी भी मैट्रिक्स में इस तरीके से एलिमेंट को जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे जनरली हम लिखते हैं ना कि जैसे किसी एपी में nth टर्म जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है A+N-1D। तो ये जो फॉर्मूला है तो किसी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसा है। अब यहाँ पे देखो दो नंबर, ये तो मैंने पहले कैपिटल में लिखा है, मैट्रिक्स को मैंने आपको पहले कहा कि मैट्रिक्स जो होगी हम उसको कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बाहर वाला तो कैपिटल। अब देखो ये अंदर ये जो सारे नंबर्स हैं इनको मैंने स्मॉल लेटर में लिखा, स्मॉल लेटर में, और उनके सफिक्स में कुछ नंबर लिखेंगे। और ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चीज आपको अंदर समझनी पड़ेगी कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हम नंबर लिखते हैं इनको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज। और इनकी पोजीशनिंग जो होती है, जैसे कि आपको लिखा ए, सपोज इसमें से एक एलिमेंट में उठाता हूँ 2, 2, ये वाला एलिमेंट पिक किया है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा वो इन्फॉर्मेशन देता है। पहला जो नंबर है वो बताता रो कौन सा है, दूसरा जो बताता वो बताता कॉलम कौन सा है। तो जैसे अभी 822 लिखा है तो ये कहेगा कि 822 आपके पास दूसरे रो के अंदर है और दूसरे कॉलम के अंदर है, तो आप चेक करेंगे पहला रो ये दूसरा रो ये और कॉलम पहला ये दूसरा ये, तो ये जो आ रहा है आपके पास दूसरे रो और दूसरे कॉलम के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास पोजिशनिंग है। आपको एक ये चीज अच्छे से समझनी है, पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और रो इस तरीके से चलती है, दूसरा जो नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि A23 क्या है, A23 बताना है। अब रोहित बताएगा, बताओ क्या है। रोहित अपना ऑडियो ऑन करो बेटा, लगता है रोहित डिसकनेक्ट हो गया या बोल नहीं रहा है। हितांशु बताओ ऐसा क्या है, रोहित कनेक्टेड है? हाँ सर, रोहित प्रत्युष दोनों है। ओह दोनों, चलो ठीक है, बताओ तुम दोनों सोच के A23 क्या है सर। ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है ना, ए मैट्रिक्स इधर कॉर्नर में जो रेड कलर से, नहीं चल रहा है। चलो हितांशु बताओ, तुम बताओ सर। सिक्स ये वाला एलिमेंट। अच्छा शिवानी कनेक्टेड है? शिवानी कनेक्टेड है क्या? ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो देखो जब तुम्हें 823 देखना होगा तो यहाँ देखो कौन कौन कनेक्टेड है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं जब स्क्रीन सेट करता हूँ तो क्लियर पता नहीं चल रहा है। देखो 823 तुम्हें देखने के लिए ये नंबर देखना पड़ेगा 23। तो पहला इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके पास रो कितना, रो वाला नंबर कितना, रो आपके पास देगा 2, तो आप रो 2 पे जाइए। ये तो हो गया पहला रो, ये 4, 5, 6 बनाता है दूसरा रो, तो आप दूसरे रो में तो पहुंच गए। फिर दूसरा नंबर देखो तीसरे नंबर पे, कॉलम नंबर 3,
ये एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो तीसरे कॉलम में कौन आ रहा है? सिक्स। दूसरा रो और तीसरे कॉलम में आ रहा है सिक्स, मतलब जो हितांशु ने जो आंसर दिया है दैट इज करेक्ट, वो आपके पास है सिक्स। अब इसी तरीके से प्रत्युष एक क्वेश्चन का और जवाब दो ताकि हम फिर आगे बढ़े। वन टू थ्री फोर माइनस वन जीरो वन टू, इसमें अगर थ्री की पोजिशनिंग बतानी है तुम्हें, जो ये थ्री लिखा है जैसे कि ए टू थ्री का मतलब सिक्स है, तो सिक्स हमारे पास किस पोजिशन पोजिशन पे है? ए टू थ्री पर। तो ये थ्री जो एलिमेंट है ये कौन सी पोजिशन पे है, मतलब तुम्हें बताना है इस फॉर्म में, ए यहां पर कुछ नंबर जो आएगा वो नंबर क्या है। प्रत्युष आवाज आ रहा है? यस सर। क्या क्वेश्चन क्या है, मेरे समझ में आ गया क्या? हाँ, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में देखो ये थ्री लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे कि हमने अभी कहा है कि ए टू थ्री, ये पुरानी वाली मैट्रिक्स रेड कलर वाली में ए टू थ्री का वैल्यू सिक्स है ना। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि थ्री कौन सी पोजीशन पे है, मतलब उसका रो और कॉलम नंबर बताना है। बताओ देखो क्या है। शायद कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। देखो ये रो नंबर तुम्हारे पास फर्स्ट है और कॉलम नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीसरे नंबर पे, तो इसका पोजीशन हो गया ए वन थ्री, मतलब रो नंबर वन एंड कॉलम नंबर थ्री। तो इस तरीके से मैट्रिक्स में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सीबीएसई में एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जो तुमको ध्यान से देखना है वो क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू थ्री हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में इस तरीके का पूछा जाता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन ये सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी के लिए तुम्हें जब चैप्टर को अच्छे से समझना है तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। आपको एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिस मैट्रिक्स में आपके पास ए आई जे, मतलब जो एलिमेंट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है या एंट्रीज है, वो एंट्रीज आपको दे रखी है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। और देखो यहाँ पे ऑर्डर ये टू बाई थ्री लिखना था, ये टू थ्री लिखा मैंने, टू बाई थ्री है। इसका मतलब सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर ये आ जाना चाहिए कि मैट्रिक्स किस तरीके की होगी। देखो रो कितनी है टू, कॉलम कितने हैं थ्री, मतलब आपको ऐसे मैट्रिक्स बनानी है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री। देखो तीन कॉलम हो गए, जितने एलिमेंट पहले वाली रो में होते हैं उतने कॉलम होते हैं, तो तीन कॉलम हो गए। हमको दो ही रो बनानी है, तो दूसरा वाला ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, मतलब हमको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। और इसमें हमको ए वन वन पता करना है, ए वन टू पता करना है, ए वन थ्री पता करना है, ए टू वन पता करना है, ए टू टू पता करना है, ए टू थ्री, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें पता करने। तो अब हम एक एक करके पता करेंगे। तो देखो ए वन वन, अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको ए आई जे निकालना है तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर करना है। अब देखो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना वन, जे का वैल्यू कितना वन, तो वन प्लस वन उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू, तो ये हो गया टू स्क्वायर डिवाइड बाय टू दैट इज टू। इसका मतलब ए वन वन का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास टू। दूसरा निकालना ए वन टू,
वन टू क्या आएगा, आई कीजिए वन, जे कीजिए टू, तो वन प्लस टू उसका स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो वन प्लस टू दैट इज नाइन, नाइन बाई टू, ए वन टू का वैल्यू हो गया वन, नाइन बाई टू। इसी तरीके से ए वन थ्री निकाला तो वन प्लस थ्री उसका स्क्वायर डिवाइड बाई टू, फोर स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू कितना हो गया एट। फिर हमको निकालना है एट टू वन निकालना है, तो टू प्लस वन उसका स्क्वायर डिवाइड बाई टू दैट इज थ्री स्क्वायर नाइन बाई टू। सिमिलरली एट टू टू निकालेंगे तो टू प्लस टू उसका स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो गया फोर स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन डिवाइड बाई टू दैट इज एट। फिर हमको निकालना है एट थ्री सॉरी टू थ्री, तो टू प्लस थ्री इसका स्क्वायर डिवाइड बाई टू फाइव स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव बाई टू। सारे सारे एलिमेंट आपके पास आ गए, मतलब आपके जो पास जो मैट्रिक्स बनेगी आप पोजिशन लिखो, ए वन वन का वैल्यू कितना है टू, तो लिखो यहाँ पे टू, ए वन टू का वैल्यू कितना है नाइन बाई टू, ए वन थ्री का वैल्यू कितना है एट, एट टू वन का वैल्यू कितना है नाइन बाई टू, एट टू टू का वैल्यू कितना है एट, एट टू थ्री का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फाइव बाई टू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये आपके पास जब मैट्रिक्स जो पूछी गई है वो मैट्रिक्स तुम्हारे पास आ गई। अब देख लेना इसका ऑर्डर कितना है, टू क्रॉस थ्री होना चाहिए, वन टू इसका मतलब रो टू और थ्री दैट इज ऑर्डर इसका हो गया थ्री। तो ऑफ इस एग्जाम्पल से आपको ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट सर कितने बार का आता है, ये एक नंबर का पूछा जाता है बेटा। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये देखो इधर कैलकुलेशन, ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तुम इतना लिखो सिर्फ ये इधर वाला, ये कैलकुलेशन तो अब जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सपांड करके लिख दिया। तुम ये डायरेक्ट लिखो, ये मैट्रिक्स लिखो या ये डायरेक्ट ट्रांसफर भी लिख दिया तो तुम्हारा एक नंबर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। आप देखो ऐसा कैसा मैट्रिक्स, देखे मैं एक क्वेश्चन देता हूं और यहाँ पे मैं तुम्हारा स्क्रीन शेयर करना, तुम एक कॉपी लेके तो बैठे होंगे, अब उसमें अपना अपना आंसर लिखो और मेरे पास वन बाय वन स्क्रीन शेयर करना, देखे कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है। इस क्वेश्चन को तुम्हें समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हुई नहीं है, तुम्हें बहुत छोटा एग्जाम्पल दूंगा और ज्यादा टफ नहीं है, और देखिए उस मैट्रिक्स को लिखने का हम कोशिश करते हैं। और तुम में से कितने लोग देखिए ध्यान से सुन रहे हैं, मैं ये भी तो चेक करना ही पड़ेगा कि कितने लोग अच्छे से, वैसे तुम लोग अच्छे से कनेक्ट हो लेकिन फिर भी मुझे चेक करने दो और तुम्हें कितना समझ में आया ये भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्ट, ये लिखते जाओ कॉपी में, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू Whose entries are given by Aij equals to 2 power, ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, log I plus J। डरना नहीं है, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, तुम्हें तो सिर्फ जो प्रोसीजर मैंने किया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करो और ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, और जिसका हो जाए या जिसका डाउट भी होगा स्क्रीन शेयर पे तुम स्क्रीन शेयर करना और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कितने लोगों को क्या होता है, कितना आंसर आता है, ठीक है? तो अभी अपना कॉपी में करना स्टार्ट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दो या तीन मिनट में लगेंगे, और उसके बाद जिसका हो जाए वो मेरे को बताना ताकि मैं उसको अलाउ करूंगा यहाँ से और वो स्क्रीन शेयर कर सकता है, ठीक है? यस, अभी चार पांच लोग जो भी कनेक्टेड है वो सारे करना स्टार्ट कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। दिक्कत आए तो मेरे से ऑडियो में बात कर लेना अभी सॉल्व करते टाइम। अरे लॉक कदम को नहीं आता है, ये लॉग लिखा हुआ है
और सपोज यहाँ पे तुम ये जो बेस होता है इसको तुम कंसीडर कर लो टू, ताकि तो दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा। एक तो सिंपली अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका अगर हम बेस नहीं लिखते तो वो ई अंडरस्टूड होता है, लेकिन सपोज में तुम लिख दो कि मैंने इसका लॉग जो लिखा है उसका लिख दिया बेस टू, मैंने बेस टू कंसिडर कर लिया, तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या है, टू पावर लॉग उसके बेस में टू और यहाँ पे ब्रैकेट में आई प्लस जे, मतलब ऐसा कोई नंबर होता है ना ई एक्स, तो टू ई की जगह पर है, आई प्लस जे का वैल्यू आएगा वो एक्स आएगा। अब स्टार्ट करो तुम लोग, और किसी का डाउट था तो ऑडियो में पूछो मुझसे। ओके, काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेलो सर, सर हाँ डाउट है हाँ बताओ, स्क्रीन शेयर करो, क्या डाउट है जी? सर, एक मतलब कांस्टेंट का लॉग 0 होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट का लॉग 0 नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा सर, हम लोग अपना ब्लॉग सर, तो हमको ये हमको नहीं आता है सर, हम लोग अब तक लॉग ये सब नहीं पढ़े हैं सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लोग को बिना सोल्व कर रहे हो, लोग को बिना सोल्व किए हुए लोग को सोल्व करना जरूरी नहीं है। आप लोग को अगर सोल्व नहीं कर पा रहे तो लोग को इस लोग रख दो, और सोल्व कर पा रहे हो अच्छे से दिखा पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। लोग सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×20 इज गिवन बाय एजे, तुम्हारा दिख रहा है टू लॉग, मैंने ये ई बेस हटा दिया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तुमने ई इसको अंडरस्टूड किया है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास जैसा तुमने क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन लिखने में तुमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेक्ट आ रहा तुम्हारा। ठीक है, अब इन चारों एलिमेंट को उस मैट्रिक्स में रखना है। तरुण तो लगता है बोर्ड, हितांशु बोर्ड पे क्या सोल इसको। ठीक है बेटा, करके तुम्हारा ठीक है, लेकिन इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, आप लास्ट का जो लिखा होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। तो इसको सॉल्व करना नहीं है ना? हाँ, इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, जैसे तुमने ई लिखा है तो इनका वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि तुमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ई लिख दिया जहां पे मैं टू ई की जगह टू लिखना चाहता था, ताकि तुम्हें लॉग की कुछ प्रॉपर्टी भी याद हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुमने ई लिखा है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं टू लिखूंगा तो उस आंसर को भी देखना तुम। हाँ, तुम्हारा स्क्रीन एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है, तुम इस तरीके से डाउट को बिल्कुल क्लियर पूछ सकते हो, और यहाँ पे तुम बात करते हो पूछ भी सकते हो कि सर ये सेकंड लाइन में जो ई है क्या है, तो डाउट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और कोई स्क्रीन शेयर करो तुम अपना। ठीक है, देखिए और किसी ने किया है तो उसको करने दो स्क्रीन शेयर। तरुण करो बेटा, जितना किया है जितना भी। हाँ, क्वेश्चन सर देखिए, सर लेता हूँ, एक एक बच्चे का थोड़ा डाउट क्लियर आ देखता हूँ। हाँ, तरुण थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है ये, इसका फोटो खींच के फिर फोटो को स्क्रीन पे लेके आके दिखाओ। हाँ दिख रहा, दिख रहा है। टू बेस पे लॉग पावर टू, टू बेस पे लॉग पावर थ्री, टू बेस पे लॉग पावर थ्री, लॉग फोर। ठीक है, लॉग के साथ वो बेस वाला नंबर भी अगर लिख देते तो ठीक रहता, लेकिन ठीक है तुम्हारा आंसर ओके है। लॉग सॉल्व करना नहीं आ रहा सर। हाँ, तुम्हारा और गीतांशु का आंसर ले,
सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें तुमने जो बेस में बात करना चाह रहा था वो प्रॉपर्टी खैर यूज नहीं हुआ है, लेकिन आंसर करेक्ट है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। और अंशुमन, अंशुमन अच्छा मीटिंग में चला गया वो, तो अभी आकाश से, आकाश देखे बेटा कितना सोल्व हुआ दिखाओ, आकाश अभी सोल्व कर रहा है। चलो ठीक है, सोल्व करने के बाद दिखाना। मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा था वो अभी देखने की कोशिश करना क्या उसका कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी में तुम्हें यूज करके एक्सप्लेन कर रहा था वो देखिए। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो टू लिखा है, फिर इसका ये होल पावर देखना, लॉ जहां बेस होता है वहां पे टू लिखा है, फिर आई प्लस जे लिखा है। अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, जो जो प्रॉपर्टी तुम्हें भी लॉ की कुछ भी प्रॉब्लम अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं सोल्व करते हो तो अगर तुम्हें याद है तो अच्छा है। ये देखो लास्ट में जो नोट करके मैंने ग्रीन कलर में लिखा ए, फिर लॉग पावर ए एक्स, यहां वाला नंबर और ये जो पावर में जो लॉग लिखा है उसका जो बेस है अगर वो सेम हो जाए तो फिर आंसर उसका आता एक्स। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो ए वन वन का वैल्यू भी निकालेंगे तो टू और टू यहाँ पर सेम है, ये वाला नंबर निकल कर जाएगा वन प्लस वन दैट इज टू, तो इवेंचुअली सोल्व आ गया अपने पास है टू, ए वन टू। अब यहाँ पे मैंने देखो टू लिखा है, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, मतलब देखो ये यहाँ पे ये टू और लॉग के यहाँ पे टू लिखा है, ये नंबर अगर दोनों सेम है तो ये बॉक्स वाला नंबर आता है। अभी तुम्हारे पास मैं लिखता हूँ जो थोड़ा लेट आता है, तो टाइम पे आ जाता है, तो इसका आंसर होगा थ्री। सिमिलरली ये बाकी के एलिमेंट्स भी निकाले गए, तो इस तरीके से ये बस में प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तुम्हें एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना चाहता है। तुम लोगों ने इसको ई सपोज किया है तो तुम्हारा आंसर वैसे रॉन्ग नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो टू थ्री थ्री फोर है ना, एलिमेंट बहुत इजी आए, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, तो इवेंचुअली मेरे अकॉर्डिंग अगर आंसर को लिखा जाए तो ये आंसर ये आएगा टू थ्री थ्री फोर। ये मैट्रिक्स हमारे पास टू क्रॉस टू की निकल के आएगी। तो ठीक है, आज की क्लास हमारा काफी टाइम तो काफी हो गया, ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने किए नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है तो, और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चलते हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना ताकि हम इस क्लास का फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। वी के वंस अभी चल रहा है, अगर तुम्हें समझ में आता है या कुछ फायदे वाली बात है तो तुम जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो मेरे से रिक्वेस्ट करके मेरे से बात करो, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं, दो दिन के अंदर एक क्लास ले सकते हैं, तीन दिन के अंदर ले सकते हैं, वो तुम लोग थोड़ा सोच के बताना मेरे को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और किसी का डाउट है तो अभी बता दो मेरे बेटा। है किसी का डाउट? नहीं है सर। ठीक है बेटा, लीव कर लो मीटिंग को, मैं यहाँ से कर रहा हूँ।